Hello, class 6 students. How are you all? I hope you are doing well. I am your English grammar teacher, Sila. Today, we are going to start with the 13th chapter, which is conjunctions. So, let's get started. Conjunctions are words which join two or more words, phrases, or sentences. They are also used to make the sentences more compact. For example, two and two make four. Seema and Rani are sisters. So students, conjunctions क्या होते हैं? Conjunctions are basically joining words, जो हम join करते हैं किसी भी words या group of words को join करने के लिए, phrases को, clauses को, sentences को join करने के लिए, so that हम उन्हें compact बना सकें. अब इसके हमने कुछ examples जैसे पढ़े, so and so are sisters, इसी तरीके से. अब आगे देखें, kinds of conjunctions. अब हम conjunctions के यहाँ पर कुछ types पढ़ेंगे. There are three kinds of conjunctions. Conjunctions कितने type के होते हैं students? Three kinds of. पहला देखिए, coordinating conjunctions. These are used to join words which are of the same grammatical class or pattern. So coordinating conjunctions क्या होते हैं students? वो होते हैं जो same grammatical class या फिर same pattern या फिर किसी equal each other से match करते हों. Example देखिए. The doctor tried hard to receive the patient but failed. He tried very hard to succeed and he failed. And he did. तो हमने जैसे कि यहाँ पर दो sentences को join किया है with the help of two words which are but and. तो यही आपके conjunctions हैं. These are and, but, or, nor, neither, for, still, yet, therefore, so. ये सभी आपके कंजंक्शंस हुए कौन से? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. इसी तरीके से सेकंड काइंड देखिए जो है आपका कोरिलेटिव कंजंक्शंस. इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो. दीज आर यूज्ड टू कोरिलेट टू सेंटेंसेस. ये जो अभी हमने ऊपर वर्ड्स पढ़े हैं ये यूज होते हैं दो सेंटेंसेस को कोरिलेट करने के लिए. एग्जाम्पल्स देखिए, नॉट ओनली डिड ही स्टील द मनी बट ऑल्सो स्पेंट इट ऑल. यू ईदर स्टडी और क्लीन द रूम. दीज आर बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर. सो स्टूडेंट्स कोरिलेटिव कंजंक्शंस आपके कोरिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, यानी कि वो दो साथ में यूज होते हैं, यानी जैसे कि ईदर और, नीदर नॉर, एक्सेट्रा. अब थर्ड काइंड देखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. द कंजंक्शंस विच इंट्रोड्यूस द डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज आर कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ऐसे कंजंक्शंस जो हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं डिपेंड या सबऑर्डिनेट करने पे किसी दूसरे क्लॉज के लिए, वो होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. एग्जाम्पल्स देखिए, आई रीड द पेपर बिकॉज इट इंटरेस्ट मी. After the rain was over, the sun shone again. तो जैसे कि आपने अभी देखा, because और after, ये आपके दो subordinating conjunctions है, यानी कि ये dependent है किसी ना किसी object पे. कि because, अब हम खाली because बोल देंगे तो समझ में नहीं आएगा. तो यहाँ पर हम I read the paper because, हम reason दे रहे हैं कि हम paper क्यों पढ़ते हैं, because it interests me. तो यहाँ पर हमने because जो है वो subordinating conjunction के इसलिए use किया है. These are after, because, if, that, though, till, before, unless, as, when, where, while. तो ये आपके कुछ examples हैं subordinating conjunctions के. अब आगे देखिए, subordinating conjunctions are further divided into different clauses as given below. अब subordinating conjunctions students कुछ different types में divided हैं. आगे देखिए, पहला है आपका place. These introduce adverbs clauses of places, example where, wherever, there, etc. Example देखिए, I shall live where you live. तो students subordinating conjunctions जिन पे rely करते हैं उनमें से एक है आपका place, यानी कि हम place बता सकते हैं उसमें, जैसे कि where, here, there, इस तरीके से. Example हमने अभी देखा. अब second देखिए, time. These introduce adverbs clauses of time. या एडवर्ब्स आपके क्लॉजेस में जो टाइम बताते हैं. एग्जांपल्स व्हेन, आफ्टर, सिंस,
अंटिल वाइल एज सून एज बिफोर एज कुछ टाइमिंग जैसे कि अंटिल दिस टाइम या टिल दैट टाइम इस तरीके से हमारा जो टाइम बताते हैं वो आपके टाइम वाले सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हुए। एग्जाम्पल्स हैं इसके आपके आई विल डू इट वेन आई थिंक फिट। यहाँ पर वेन हमने टाइमिंग दिखाया ना कि जब करूंगा जब, इस तरीके से ये टाइमिंग हुआ एक। अब थर्ड देखिए रीजन। दीज इंट्रोड्यूस एडवर्ब्स क्लॉजेस ऑफ रीजन विच एक्सप्लेन वाई एंड हाउ अ थिंग इज सो। दीज वर्ड्स आर एज सिंस बिकॉज। ऐसे हमारे क्लॉजेस या एडवर्ब्स जो हमें किसी चीज का रीजन देने के लिए हम जब यूज करते हैं, जैसे हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था बिकॉज दिस सिंस दिस इज हैपनिंग इस तरीके से, या एज यू नो हम ऐसे बोलते हैं ना, तो हम इसमें कुछ रीजन दे रहे होते हैं तब हम ये यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए ही वॉज लेट बिकॉज ही वॉज स्लीपिंग। अब फोर्थ देखिए रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस। दीज इंट्रोड्यूस द एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और आउटकम। दीज वर्ड्स आर सच दैट और सो दैट। इस तरीके के सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी कि रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस में हमें किसी तरीके का कोई रिजल्ट या कोई कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे आप देख सकते हैं ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड हार्डली स्टैंड। अब हमने यहाँ पर सो और दैट यूज किया है और हम सो दैट साथ में भी यूज कर सकते हैं। He was sleeping so that he could rest. ये एक और एग्जाम्पल हो गया आपका। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिजल्ट और क्या कॉन्सिक्वेंस देख सकते हैं। अब फिफ्थ देखिए पर्पस। दीज इंट्रोड्यूस द क्लॉज ऑफ पर्पस। इनसे हमें किसी क्लॉज का पर्पस समझ में आता है इनकी मदद। एग्जाम्पल्स देखिए दैट इन ऑर्डर टू लेस्ट। इसका एग्जाम्पल देखिए आई शेल डाई दैट इंडिया मे लिव। अब सिक्स देखिए कंडीशन। These introduce adverbs, clauses of condition, such examples, if, provided, and unless. तो यहाँ पर हम किसी जब condition की बात करते हैं, यानी कि if, provided, unless, ये तब हम इस तरीके के examples use करते हैं। इसका एक example देखिए, You will go only if your brother also goes. तो यहाँ पर if हमने किसी condition के लिए use किया। अब seventh देखिए, concession or contrast. These introduce clauses showing concession or contrast. Example, although, even if, however. इस तरीके के जो clauses होते हैं उनमें हम किसी तरीके का कोई concession या फिर कोई contrast देखते हैं, जैसे कि although, even if, however. इसके कुछ example देखिए, although he is rich, yet he is very humble. ये एक example हुआ। अब देखिए comparison. These introduce clauses that show comparison. इस तरीके क्लॉजेस में हमें कंपैरिजन देखने को मिलता है। एग्जांपल एज, एज मच एज, नो लेस देन, एक्सेट्रा। इसका एक एग्जांपल देखिए, ही इज स्ट्रॉन्गर देन अली इज। हमने यहाँ पर देन का यूज किया ना, तो इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं। अब देखिए एक्सरसाइजेस, सेक्शन ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजंक्शंस। अब आपको यहाँ पर ब्लैंक्स फिल करने हैं किसी भी सूटेबल कंजंक्शन से। पहला देखिए, He finished first dash he began late. तो यहां पर आप लिख सकते हैं He finished first though he began late. इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सेक्शन बी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सूटेबली। आपको इन सेंटेंसेस को सूटेबली जैसा भी जो सूट होगा वैसे कंप्लीट करना है। कॉल मी एज सून एज, सो यूजली हम यही कहते हैं ना, कॉल मी एज सून एज पॉसिबल। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सेक्शन सी, यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स जॉइन द सेंटेंसेस इन ईच पेयर। अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनसे आपको दो सेंटेंसेस को जॉइन करना है। पहला देखिए, ही इज एट होम, ही इज इन स्कूल। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और ईदर बिकॉज। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ही इज एट होम और ही इज इन स्कूल। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको कंजंक्शन समझ में आए होंगे, उनके टाइप्स समझ में आए होंगे, उनके टाइप्स समझ में आए होंगे, उनके यूजेस समझ आए होंगे। एक्सरसाइज हम लोगों ने डिस्कस की ही है, बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।